Okay. Look at those hard balloons. But one is poked by my papa. I don't want this thing to be gone from my home. Hello friends, welcome to my channel, Innovative Parenting Mantras. As we know, New Year and Christmas celebrations are coming soon. So, all because of this pandemic situation, हम अभी बाहर नहीं जा सकते हैं. तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं आपके साथ एक ऐसी आइडिया शेयर करूं जिससे आप अपने घर में ही एक ब्लास्ट पार्टी कर सकते हैं. सो द आइडिया इज कि मैंने अपने ड्राइंग रूम में एक टैंक सेटअप प्लान किया है और उस टैंक सेटअप प्लान करने के लिए मैंने अपने घर में रखी हुई चीज़ों को यूज़ किया है. एंड मैं अपना टेंट हाउस एक मॉस्किटो नेट से बनाने वाली हूँ. लेट मी शो यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माई प्लान. सपोज दिस इज अ मॉस्किटो नेट. हमें सिंपल क्या करना है कि हमें इसके टॉप पोर्शन को बैक में लेके जाना है एज कि इसका फ्रंट पोर्शन ओपन हो जाए ऑल बिकॉज ऑफ एंट्रेंस के लिए. और सेकेंड थिंग इज कि हमें किसी तरीके का कट नहीं डालना पड़ेगा अपने मॉस्किटो नेट में. तो मैंने इस टेंट प्रिपरेशन में मैंने अपनी बेटी को भी इन्वॉल्व किया है बिकॉज शी मस्ट नो कि यूं ही नहीं होती हैं लकीरों के आगे उंगलियां. रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है. सो मेहनत करेगी देन शी विल एंजॉय. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज माय मॉस्किटो नेट. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने ड्राइंग रूम से सारे फर्नीचर हटा के मैंने उसमें काफ़ी स्पेस बनाई है. दिस इज बिकॉज वाइड एंगल से वीडियो शूट हो पाए एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेल. बट इफ यू हैव स्पेस ऑफ 6 to 8 feet इन एनी कॉर्नर ऑफ योर हाउस देन ऑल्सो दिस टेंट कैन बी सेटअप. बिसाइड दैट हमने अपने टेंट की थीम पिंक रखी है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट. आप चाहें तो ओकेजन एंड अवेलेबल मटेरियल के हिसाब से थीम डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइन डे के लिए रेड इज द बेस्ट ऑप्शन. मैंने अपने टेंट में वाइट बेस के ऊपर डिजाइनर बेडशीट का यूज किया है टू हैव अ अट्रैक्टिव लुक. मैंने कुछ स्मॉल स्टूल्स एंड टेबल्स को वाइट टॉवल से कवर किया है एंड डेकोरेटेड इट विद ग्लॉसी रिबन्स. सिंस वी हैव मेड दिस टेंट फॉर आवर डॉटर वी हैव डेकोरेटेड द टेंट विद द मोस्ट ऑफ हर पिंक पिलोज एंड टॉयज एज पिंक इज हर फेवरेट कलर. सीरियसली उसका बस चले तो घर की हर चीज पिंक हो. फॉर गिविंग हर शेप टू द टेंट वी हैव यूज्ड द स्मॉल बॉल एंड टाइटन इट फ्रॉम फैन विद द हेल्प ऑफ द रोप. यू कैन मेक वैरायटी ऑफ टेंट्स इन योर होम टू. हमें यहां पर मॉस्किटो नेट को यूज करना था वो भी उसे बिना कट किए. सो वी विल बी सेटिंग अ हुड टाइप टेंट विद हट टॉप. टेंट के फ्रंट को भी हम वैरायटी में डेकोरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल मटेरियल्स एंड क्रिएटिविटी. यहाँ पर फ्रंट को हमने वेलवेट रोप से कर्टेन लुक दिया है. इसके अलावा वी हैव डेकोरेटेड द एजेस ऑफ द टेंट विद एलईडी लाइट्स. So, as expected, इस टेंट को फिनिशिंग टच महिमा ने दिया है विद द लेटर M डेकोरेटिंग इन द फ्रंट ऑफ द टेंट. वैसे भी यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट आवर डॉटर हैज बीन थॉरली एंजॉयिंग द मेकिंग ऑफ द टेंट.
So now it's time to see the million dollar moment. Let's see how Mahima reacts. Because believe it or not, kids are the best critic. It was really a wow moment for us, and now it's time for parenting tip. If you involve your kids in the procedure, they will have the sense of achievement in the outcome. Mahima's achievement and satisfaction is quite visible in her expressions. I really hope you two will try this stand at your places. Please let us know your views in the comment box. So friends, don't miss the description of the tent in the words of Mahima. And I'm sure you will really enjoy it. Hi, I'm Mahima. And I made a beautiful tent. And I'm upside down. It's fun being upside down. Chalo bacha, aap seedhi ho jao. Yes, it's quite funny. Yes, it was actually funny. So? You like the tent? You like the tent? Yes! Look at it! It's so beautiful! Okay! And one more thing! I love this tent! So that's why Mama has all this stuff that's really black with a white stripe on it with some hearts! Okay! Anything else you want to tell about the tent? Yes! Come inside. Okay, I'm coming. And this is my mat. Okay. And it's really cold, so I can feel a banana. Okay, and what else in your tent? And come in. I love these baubles. And also these. Is new for soft coatings. Soft coatings? It's a kind of jhalar. You know? Yes, it's kind of one, but it looks like a curtain. Okay, curtain you said. Yes. Yeah, it's a curtain, right. It looks like one. Okay, what else is there? There are bubbles, 4 bubbles. Okay. I love these bubbles. I can push them and play with them when you're pushing. Okay. Pushing is my favorite playing part. Okay. With the bubbles. And look at those hard balloons. But one is poked by my papa. Yeah, actually poked with by mistake. Yes, because papa didn't stop. Okay. So now it was inflated more than it was required, okay? So he also stopped. Okay. But my favorite heart is this. It's so big. Really? Yeah. Okay, what else is there in your tent? Oh, in my tent, there is 2 baby bottles. Okay, these are the babies? Yes. The day Mini is a baby. Okay, Mini is a baby. Yes. And we'll sleep here and today. The bottles. In my tent. And I love that part. Because I can sleep. So my mama, papa just... think about I couldn't sleep, so I needed a tent. So that's why my mama papa think about that. Okay, and what's that, beta? Oh, that's a flower pot. Flower pot? And this is my fan. It's kind of like a bat when it's closed, but when you open it, like. Let me help you. This. Wow. It doesn't look like a bat. And it also has some straight lines. Wow. You look like Hawaii, Mahima.
Oh yes. But Hawaii is my favorite part. I know, that is our favorite song, right? Yeah. Which song? Hawaii. Hawaii? Which song? I don't remember. Can you sing us? Can you sing that song for me? Yeah, but I don't know how to sing Hawaii. So Mama can tell us song about Hawaii. Okay, any other song you can sing? Yes. Sing. Like If You Eat the Spider. Okay. And she went to spider, climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Down came the sun and dried up all the rain. And she went to spider, climbed up the water spout again. Okay, it was great. It's my favorite too. Okay, anything else you want to tell to your viewers? Yes. Tell me. So kids, only make your tent with a little help from your mom and papa. Okay, it means you have made this tent with the help of mama and papa. Yes. So you are enjoying it now? And I came here and then I saw a beautiful thing like this tent. Okay. Any other advice for your viewers? Yes. Go on. I don't want this tent to be gone from my home. It is. Okay. And one more thing. Okay. Subscribe my channel and don't forget to hit the bell button. So guys, I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, so just try the stand at your places and enjoy your new year.